कर शहा कर बला की नींद कर शहा आ गए हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, खैर मकदम है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। आज हम आए हैं हुसैनी शरीफ और ज्यारत कराने वाले हैं हज़रत जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि तेग अली शाह रहमतुल्लाह के सबसे जलाली खलीफा है, उनकी दरगाह की ज्यारत कराने वाले हैं। तो हम अभी SH 74 पे हैं, उस जो केसरिया वाला रास्ता है उस रास्ते पर है और आगे से एक मोड़ जाती है उस गाँव में हुसैनी शरीफ में पहुँच चुके हुए हैं। तो आगे से हम लोग मुड़ेंगे, हमको एग्जैक्ट लोकेशन बता दे रहे हैं, यहीं से मुड़ना है और ये गाँव है हुसैनी गांव है, नया टोला, इसी रास्ते से हम लोग चलेंगे और आगे दरगाह शरीफ हम पूरी ज्यारत कराने की कोशिश करेंगे मज़ार शरीफ की। कहा जाता है कि हज़रत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सबसे जलाली खलीफा थे ये, इनके अंदर जलाल था, ये हर चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, बहुत जलाली थे। तो चलिए चल रहे हैं उनकी दरगाह की ज्यारत करते हैं, बस इसी मोड़ से मुड़ जाना है बाएँ साइड को। देखिए हम लोग हुसैनी शरीफ ऑलरेडी पहुंच गए हैं और उस गांव में हैं, हुसैनी गांव में नया टोला गांव है, यहां पे मदरसा भी है जहां पे कुरान शरीफ की हिफ्ज़ कराया जाता है, हिफ्ज़ और क़िरात कराया जाता है, इल्म की जानकारी दी जाती है इस मदरसे में, और जस्ट बगल में ही दरगाह शरीफ है। तो चलिए बस पहुँचने ही वाले हैं, बिल्कुल वीडियो एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब लोग ज़्यारत कर पाए। बस पहुँच ही रहे हैं, जस्ट पहुँच गए हैं दरगाह शरीफ पे, यही गेट है, यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं और ये है दरगाह शरीफ। तो दोस्तों ये है मज़ार शरीफ हज़रत जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो तेग अली शाह के खलीफा हैं और पीर हैं, पाए के बुज़ुर्ग हैं, और ये मदरसा है जहाँ पे इल्म दीन दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, और इधर पे वज़ू खाना भी है, और इस साइड में पूरा मदरसा है इसमें, और उधर मस्जिद भी है जहाँ पे नमाज़ पढ़ा जाता है, और ये दरगाह शरीफ है। चलिए अंदर चलते हैं, फातिहा पढ़ लेते हैं, और ये देखिए मज़ार पाक है, उनका कब्र अनवर है, और क्या ही खूबसूरत मज़ार शरीफ है, क्या ही नज़ारा है यहाँ का, आपको दिल मचल जाएगा इस मज़ार शरीफ की ज़्यारत करने के बाद में। और देखिए क्या ही गुम्मत पे आयतल कुर्सी लिखी हुई है चारों तरफ से, हम अच्छा तरह से दिखाएंगे आपको। और ये देखिए कब्र अनवर है, मज़ार पाक है, अंदर का कुछ इस तरह का व्यू है, इस तरह का दिखता है मज़ार पाक। और देखिए गुम्मत देखिए कितना ही खूबसूरत है, हम एक तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना ही शानदार लग रहा है, देखिए पूरा आयतल कुर्सी लिखी हुई है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए कि लोगों तक पहुंच पाए वीडियो और सब लोग ज़ियारत से माला माल हों। तो चलिए फातिहा पढ़ लेते हैं। देखिए यही मज़ार शरीफ बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह के मज़ार शरीफ, और देखिए वो सामने में मस्जिद है जहाँ पे नमाज वमाज पढ़ते हैं, बच्चे लोग रहते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे पूरा हॉस्टल टाइप का है, यहाँ पे रहते भी है बच्चे और पढ़ाई भी की जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि सभी लोग ज़्यारत कर पाएँ जनाब दरगाह हुसैनी शरीफ, जनाब जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह के मज़ार शरीफ की ज़्यारत कर पाएँ। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमने आपकी ज़्यारत कराया है मज़ार शरीफ के, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।